हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आजकल जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंसेंटिव वेज सिस्टम के बारे में। इसके ऊपर ऑलरेडी दो वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो सीक्वेंस में देखिएगा, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आज जो प्लान्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन चारों प्लान्स को एक बेहतरीन तरीके के साथ सीखना। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रीकैप, जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं सुने उनके लिए ये काफी फायदेमंद होगा। इंसेंटिव प्लान्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो है इंडिविजुअल और दूसरे हैं ग्रुप। अब यहां पर ये कहना बहुत जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो लेक्चर आए आप उसको सुन सके और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। टॉपिक को पूरा सुनिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल्स पर कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो अपनी नॉलेज को बढ़ाते चलिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए। इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स की दो कैटेगरीज हैं, जो कि थी टाइम बेस्ड और प्रोडक्शन बेस्ड। ऑलरेडी ये हम डिटेल में सीख चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स। अब बात यहां पर एक है बहुत जरूरी, फैक्ट्री में एक वर्कर के बेहतर काम करने से तरक्की नहीं हो सकती, तो इसी कारण से कुछ इस प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं जहां पर ग्रुप एफर्ट की जरूरत पड़ती है। उन्हें बोला जाता है असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें एक कार को बनाने के लिए कई सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं तभी एक प्रोडक्ट बन पाता है। ऐसी इंडस्ट्रीज में बहुत जरूरी है कि वर्कर्स के बीच में टीम वर्क की भावना जगाई जाए, सारे वर्कर्स जॉइंटली काम करें तभी एक सिंगल ऑपरेशन बढ़िया हो पाता है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ पाती है। तो बोनस को, या यूं कहूं इंसेंटिव को, अटैच कर दिया गया है ग्रुप एफर्ट के साथ। चार प्लान्स हैं, एक-एक करके हम चारों को सीखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम प्रीस्टमैन्स प्लान के साथ। प्रीस्टमैन प्लान में ये बोला गया कि बहुत जरूरत है कमेटी को फॉर्म करने की, एक कमेटी जिसमें वर्कर्स भी होंगे और मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे। ये कमेटी बैठेगी और स्टैंडर्ड सेट करेगी परफॉर्मेंस के। इसी कमेटी में ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा काम कैसे किया जाएगा। और एक बहुत जरूरी बात है, वो है गारंटेड मिनिमम वेज। इस प्लान के अंदर ये बोला गया कि हर एक वर्कर को गारंटी देनी चाहिए कि उसे मिनिमम वेज एम्प्लॉयर के द्वारा दी ही जाएगी। अब वर्कर क्या करे कि उसको इंसेंटिव मिल जाए? यहां पर भी बात की गई है स्टैंडर्ड्स की। स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए जाएंगे प्रोडक्शन के और कंपेयर किया जाएगा परफॉर्मेंस को उन्हीं स्टैंडर्ड्स के साथ। जहां पर तो जो ग्रुप है वो उस स्टैंडर्ड को एक्सीड कर जाएगा, जो भी मापदंड बनाए गए हैं उसके अनुसार प्रोडक्शन करेगा, तो वो हकदार होगा बोनस का। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोनस तभी मिलेगा अगर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा होगा, और अगर ऐसा ना हुआ, स्टैंडर्ड तक ना पहुंच पाए वर्कर्स, तो किसी भी प्रकार का बोनस उन्हें नहीं दिया जाएगा, उन्हें मिलेगी सिर्फ मिनिमम वेज। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से इस पॉइंट को समझ लेते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जहां पर स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है एनुअल प्रोडक्शन का, कि पूरे साल में 2 लाख यूनिट्स बनने चाहिए। साल बीता, एक्चुअल प्रोडक्शन सामने आई, एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 2,40,000 यूनिट्स। अब यहां पर हमें यह समझ आता है कि एक्चुअल आउटपुट जो है वो स्टैंडर्ड को क्रॉस कर गया है,
20% से ज्यादा हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन। इसका मतलब वर्कर्स हकदार हो गए हैं बोनस के। वर्कर्स को बोनस दिया जाएगा जो कि एग्जैक्टली उतना होगा जितनी उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की है। यहां पर 20% अबव है तो 20% हायर वेज दी जाएगी बोनस के तौर पर। यहां पर इस प्लान में यह सजेस्ट किया गया है कि जो बोनस है वो ग्रुप सुपरवाइजर को भी दिया जाएगा। इस प्लान में कई सारी एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली एडवांटेज तो है टीम स्पिरिट की। सब में भावना जागती है मिलजुल कर काम करने की। नतीजा होता है कलेक्टिव एफर्ट्स, मिलकर काम किया जाता है, प्रोडक्टिविटी बेहतरीन निकल कर आती है। पर कुछ इसके अंदर डिसएडवांटेजेस भी हैं। इंसेंटिव मिलता है ग्रुप को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक इंडिविजुअल वर्कर ने बहुत बढ़िया काम किया है, उस अकेले को उसकी परफॉर्मेंस के लिए कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं, जिन्होंने बढ़िया काम नहीं किया, वो भी बोनस के हकदार होंगे क्योंकि पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस के हिसाब से ही बोनस दिया जाता है। तो माय डियर लर्नर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है। तो मैं आपको वही कहूंगी कि लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा ग्रुप प्लान जो कि है स्कैनलन प्लान। स्कैनलन प्लान भी एक ग्रुप इंसेंटिव प्लान ही है। इस प्लान के अंदर पूरे प्लांट के लिए स्कीम बनाई जाती है। प्लांट का मतलब यहां पर है पूरी फैक्ट्री। उस फैक्ट्री के लिए प्रॉपर डिसाइड की जाता है कि क्या क्या काम कैसे किया जाएगा, और ये डिसाइड करते समय वर्कर्स को साथ में इन्वॉल्व किया जाता है। वर्कर्स भी अपनी राय देते हैं। अब क्या राय वर्कर्स देते हैं, चलिए वो भी समझ लेते हैं। वर्कर्स राय देंगे कि किस तरीके से कॉस्ट को कम किया जा सकता है। दूसरी बात, इम्प्रूव कैसे किए जा सकते हैं काम करने के मेथड्स, नए नए तरीके कैसे इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं फैक्ट्री में। इसका नतीजा होता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, उत्पादन बढ़ता है और कॉस्ट कम होती चली जाती है। इस प्लान के अंदर दो मेन पॉइंट सजेस्ट किए गए हैं। पहला पॉइंट तो कहता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना। फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसे के तौर पे। बोनस हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में होगा जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और दूसरा पॉइंट है डिपार्टमेंटल स्क्रीनिंग कमेटीज। हर एक डिपार्टमेंट में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी जो कि चेक करेगी वर्कर्स की सजेशंस को कि कौन सी सजेशन बढ़िया है, किसको फैक्ट्री के अंदर इंप्लीमेंट करते हुए प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है और कॉस्ट को कम किया जा सकता है। इस प्लान में ये बोला गया है कि बोनस का सीधा सीधा रिश्ता होगा प्रोडक्टिविटी के साथ। अगर प्रोडक्टिविटी 1% बढ़ेगी तो बोनस भी 1% बढ़ेगा, और बोनस में टॉप मैनेजमेंट का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। बोनस सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को ही दिया जाएगा। इस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ एक कंडीशंस हैं, तभी ये प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। सबसे पहले तो फैक्ट्री के अंदर नंबर ऑफ वर्कर्स कम होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1000 वर्कर, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। प्रोडक्ट लाइन और कॉस्ट स्टेबल है, ज्यादा उनके अंदर चेंजेस नहीं आते। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस बढ़िया है, सुपरविजन बहुत बेहतरीन तरीके से की जाती है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्गली कमिटेड है, अपने वादे के ऊपर खड़ी है मैनेजमेंट। अगला जो मेथड है वो है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है जहां पर वर्कर्स को वेजेस तो मिलती ही हैं, साथ में उनको दिया जाता है तोहफा, यानी प्रॉफिट्स को भी वो साथ में शेयर करते हैं। और इस मेथड के अंदर जो एम्प्लॉयर होता है वो एक वादा करता है, एक अंडरटेकिंग देता है कि वो वर्कर्स के साथ अपने प्रॉफिट को शेयर करेगा। यहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक डेफिनेशन को इंक्लूड किया जा सकता है जिसमें उन्होंने बोला
कि प्रॉफिट शेयरिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंडस्ट्रियल रेमुनरेशन देने का, जहां पर इम्प्लॉयर अपने इम्प्लॉयज को नेट प्रॉफिट में हिस्सेदारी देता है। रेगुलर वेज तो मिलती ही है, पर साथ में बेहतर काम करने पर प्रॉफिट का भी हिस्सा दिया जाता है। नतीजा होता है इंटरेस्ट बढ़ता है काम में और कॉपरेशन भी बढ़ती जाती है। प्रॉफिट शेयरिंग के कुछ एक फीचर्स हैं। सबसे पहला तो ये कि जॉइंट कंसल्टेशंस होती हैं, मिलजुल कर बैठा जाता है। इम्प्लॉयर अपनी वॉलंटरली सहमति और मर्जी के साथ इस बात पर एग्री करता है। अब कितना प्रॉफिट दिया जाएगा इसे भी एग्री किया जाता है एक फॉर्मूला की मदद से, जो कि पार्टिसिपेंट्स मिलजुल कर तय करते हैं। लेकिन अगर लॉस हुआ तो वर्कर्स उस लॉस के हिस्सेदार नहीं होंगे। अब जो ये प्रॉफिट का हिस्सा देना है इसे कई तरीकों से दिया जा सकता है, चाहे तो कैश या शेयर्स या डिपॉजिट्स दिए जा सकते हैं, और कई बार प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी खोल दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जहां पर सब लोग मिलकर एक सहमति बनाते हैं और रिवॉर्ड दिया जाता है प्रॉफिट के तौर पर। इस मेथड की कुछ एक एडवांटेजेस हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वर्कर्स अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं फैक्ट्री की तरफ, आपस में कॉपरेशन बढ़ती है, तालमेल बेहतर हो जाता है। पर कुछ एक कमियां भी हैं। सबसे पहली कमी है कोई भी रेगुलर इनकम की श्योरिटी नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो ही दिया जाएगा। अब जैसे कि ये एक ग्रुप मेथड है तो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं की गई है। कई बार इंप्लॉयर प्रॉफिट ना देने के लिए अपने अकाउंट से छेड़छाड़ करता है और ये शो कर देता है कि प्रॉफिट हुए ही नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे चौथा मेथड, जो कि है को पार्टनरशिप प्लान। को पार्टनरशिप एक एक्सटेंशन ही है प्रॉफिट शेयरिंग मेथड को, और ज्यादा बेहतर इसमें कर दिया गया है। इस मेथड के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उन्हें कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं, और जैसे कंपनी के शेयर्स मिलते हैं वर्कर्स बन जाते हैं पार्टनर्स, हिस्सेदार बन जाते हैं वर्कर्स। वो प्रॉफिट के तो हिस्सेदार बनते ही हैं, पर साथ में उन्हें अलाउ कर दिया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, कंपनी का कंट्रोल भी उनके हाथ में आ जाता है। अब यहां पर आपके माइंड में आ रहा होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग और को पार्टनरशिप में मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग में वर्कर्स को प्रॉफिट का शेयर मिलता है, पर को पार्टनरशिप में वर्कर्स को सैलरी तो मिलती ही है पर साथ में डिविडेंड भी मिलता है। इसके बाद ये भी बात यहां पर समझानी बहुत जरूरी है, प्रॉफिट शेयरिंग में वर्कर्स का स्टेटस चेंज नहीं होता, पर को पार्टनरशिप में वर्कर्स का स्टेटस बढ़ जाता है और वो कंपनी में मेंबर्स की भूमिका, या यूं कहूं को ओनर्स की भूमिका निभाने लगते हैं। इस मेथड की कई सारी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि वर्कर्स में बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है, कंपनी के साथ अपनापन बढ़ता है और बिहेवियर बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, मैनेजमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है, वर्कर्स लॉयल हो जाते हैं, कमिटेड हो जाते हैं, एफर्ट्स करते हैं ज्यादा कि प्रॉफिट ज्यादा हो, क्योंकि उनकी भी तो हिस्सेदारी है अब कंपनी में। अब बारी आ गई कमियों को समझने की। सबसे पहली कमी तो ये है कि वर्कर्स प्रेफर करते हैं बोनस, शेयर्स लेना उन्हें इतना पसंद नहीं है क्योंकि शेयर्स रिस्की हैं, कभी प्राइस बढ़ता है पर कभी कम भी हो जाता है। दूसरी बात, ट्रेड यूनियंस भी इस मेथड को पसंद नहीं करते और उनको ये लगता है कि हम वर्कर्स हैं, हमें एक सेट अमाउंट ही मिलनी चाहिए। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इंसेंटिव प्लान्स को समझा, इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान को जाना और ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स की भी अंडरस्टैंडिंग ली। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बढ़िया सा समझ आ गया होगा। तो मैं मीनाक्षी बजाज अभी तो आपको कहती हूँ गुड बाय, पर मिलूंगी बहुत जल्द एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर के साथ। और आप भूलिएगा नहीं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं बहुत जल्द।